थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू इंदिरा नगर बस्ती में एक 8 साल के मासूम की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। पुलिस को शंका है कि मकान में रहने वाले किराएदार ने ही बालक की हत्या की है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। दरअसल न्यू इंदिरा नगर में रहने वाले किराना दुकान संचालक के 8 साल की मासूम बालक की हत्या दर्दनाक तरीके से उसी के मकान में रहने वाले किराएदार ने कर दी। बालक सोमवार शाम 6 बजे से लापता बताया जा रहा था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाना नीलगंगा में की थी। नहीं मिलने पर पुलिस ने मंगलवार सुबह किराएदार के कमरे की तलाशी ली तो उसमें से बालक का शव मिला। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। नीलगंगा पुलिस ने बताया कि कृष्णा उर्फ कान्हा पिता मुकेश प्रजापति 8 वर्ष निवासी न्यू इंदिरा नगर सोमवार शाम 6 बजे से लापता था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी। देर शाम तक पुलिस और परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिला। मंगलवार सुबह पुलिस तलाश करती हुई मुकेश प्रजापति के मकान में किराए से रहने वाले सुनील पिता शांतिलाल के कमरे में पहुंची। कमरे की तलाशी लेने पर गोदड़ी में लपेटकर कृष्णा का शव पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना के समय सुनील लापता था। पुलिस ने आरोपी की खोजबीन के प्रयास शुरू कर दिए हैं। 8 साल के मासूम का शव देखकर पुलिस और परिजन भी सहम गए। मासूम के पूरे शरीर पर जगह जगह जलाने के दाग के निशान मिले हैं। मौके पर एफएसएल की टीम भी जांच के लिए पहुंच गई थी। पुलिस को शंका है कि आरोपी ने सोमवार शाम या देर रात में मासूम बालक की हत्या कर दी होगी। शंका है कि आरोपी ने गला दबाकर बालक को मारा होगा तथा उसके बाद शरीर पर दागा होगा। पुलिस ने इस पूरे मामले में तंत्र क्रिया किए जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। पीएम रिपोर्ट के आने के बाद बालक की मौत का कारण सामने आ सकेगा। देखिए, बड़े दुखद घटना क्रम है और ये जो बच्चा है उन्हीं के घर में रहने वाले जो किराएदार हैं, जो ऊपर रहते थे, संभवतः घटना उसी के द्वारा कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। और उन्हीं के कमरे में बाहर जो ताला लगा के अंदर डेड बॉडी थी जो दिखाई दे रही है, प्रथम दृष्टया घटना का आरोपी वही, और वो फरार भी हो गया है। टीमें हमारी लगी हैं लगातार और हम शीघ्र ही उसको पकड़ेंगे। सर, क्या लग रहा है, क्यों हत्या कही है इसने? देखिए, अब ये कारण अभी इन्वेस्टिगेशन का पूरा विषय है। अभी प्रथमतः कोई कारण तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन एक बार हम इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरा करेंगे। अभी तो सभी परिवार के सदस्यों से हमारी बातचीत होना बाकी है, तो ये समझ में आएगा कि इसने किस कारण से ये घटना कारित की है। सर, बच्चे की बॉडी पर किस प्रकार के कोई निशान है, किसी चीज़ से दावा? देखिए, अभी बस बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें सामने क्लियर होंगी। कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की भी कोशिश की गई हो, तो उसका भी प्रयास किया गया है कि ये सब चीज़ें थोड़ा पोस्टमार्टम के बाद ही समझ में आएंगी कि चोटें मृत्यु के बाद की हैं कि मृत्यु के पहले की हैं। अगर मृत्यु के बाद की हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की गई है ताकि किसी को पता ना चले। आरोपी शराब पीने का भी आदि बताया जा रहा है। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि शराब पीने का आदि था, तो ऐसा अभी पड़ोसियों ने अपने बयान से बताया है। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा बाकी है। सर, तंत्र क्रिया की कोई ऐसा कुछ? देखिए, अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं है। हम लोग बच्चे की इस मृत्यु को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें शीघ्र ही इस आरोपी को पकड़ के, पकड़ने के बाद हमें और सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। ठीक है।